अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ जाहिद खान और ये है मेरा चैनल ट्रैवल टेल्स। और आज की जो वीडियो है वो है रबात फोर्ट के बारे में, जो इस्लामाबाद से तकरीबन है 20 किलोमीटर के फासले पे। वहाँ जाना है, उसको एक्सप्लोर करना है। और जो तकरीबन है ये 500-600 साल पुराना, और मेरा कभी पहले विज़िट नहीं हुआ। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर द रबात फोर्ट। ओके जी, तकरीबन 30 मिनट की ड्राइव के बाद हम पहुंच गए हैं रबात फोर्ट। 20 किलोमीटर दूर है ये, इसकी एंट्रेंस है जो आपको पीछे बड़ा गेट नज़र आ रहा है। सो लेट्स गो इनसाइड। सो दिस इज प्रपोज्ड प्लान ऑफ रबात फोर्ट। ये इसका पूरा मैप है, ये कैसे बना रहा है, तो इसको बिल्कुल एंट्रेंस पे लगा रहे हैं। फोर्ट की बैरूनी दीवारें, एक बड़ा सा डोम, उसके बाद ये बहुत बड़ा जाइजेंटिक किस्म का इसकी एंट्रेंस। राइट नाउ वी आर इन रबात फोर्ट। रबात जो है ये रबात एक वर्ड है अरेबिक, उसकी एक बिगड़ी हुई फॉर्म है। जाहिर है लोकल इलाकों में ऐसे ऐसे वर्ड्स चेंज होते रहते हैं। तो रबात का बेसिकली मतलब होता है कि सराय। सराय का मतलब है कि पुराने दौर में जब मेहमान या कोई काफिले जहाँ आके रुकते थे, उनके लिए एक मखसूस जगह होती थी, उस जगह को सराय कहते थे। तो राइट नाउ अभी मैंने इसको जो थोड़ा सा विज़िट किया है, ये बिल्कुल एक सराय की तरह ही है। इसमें इस तरह के रूम्स टाइप बने हुए हैं जिस तरह होटल्स होते हैं, जो मैं आगे चल के आपको दिखाता भी हूँ। और रीज़नेबली अच्छी तरह अच्छे से इसको प्रिजर्व किया गया है। ओके, जैसे ही आप एंटर होते हैं तो उसके साथ ये एक कतार में रूम से बने हुए हैं। ज़्यादा बड़े नहीं हैं, इतनी है कि काफ़ी मुनासिब साइज़ के हैं। तो इनकी बनावट से ये बिल्कुल वाज़े हो जाता है कि ये उस दौर में ये जो फोर्ट था, इसका बेसिक रीज़न सराय का काम करना था। बिकॉज़ शेरशाह सूरी के दौर में ट्रेड पे इस रूट पे बड़ा फोकस रहा है, तो उसने बहुत सारे कुएँ और इस तरह के सराय तामीर करवाए थे। और ये मेन रूट था जिसे अलेक्जेंडर रूट भी कहते हैं और जर्नैली सड़क भी कहते हैं। उसके आसपास ये सारे फोर्ट बनाए गए थे। अगर आप इनको काउंट करके देखें तो तकरीबन अराउंड 50 प्लस जो है ना रूम्स के आसार भी हैं, और कुछ तो बिल्कुल सलामत हैं, कुछ के आसार हैं, और कुछ ऐसे बिल्कुल कुछ के आसार भी नहीं मिल रहे। लेकिन अगर आप एक केयरफुल गैस लगाएं ना तो तकरीबन 50-60 रूम्स बनते हैं इस सराय में। और ये ना सिर्फ एक सराय था बल्कि ये यहाँ पे काफ़ी वॉर्स भी हुई हैं, जिसमें सबसे मशहूर वॉर जो थी वो शेरशाह सूरी और जो सारंग खान जो यहाँ का एक सरदार था गखड़ों का, बेसिकली इधर गखड़ राज हुआ करता था। तो सारंग खान उनका एक लीडर था जिसने शेरशाह सूरी की जो हाकमियत है उसको मानने से इनकार कर दिया था। एंड ही सेड कि मैं ही वाज एलाई ऑफ मुगल्स। तो उसने जब शेरशाह सूरी ने उनको इससे बात की कि भाई आप मुगलों के एलाई नहीं रहेंगे, तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था गखड़ों के उस लीडर ने, सारंग खान ने रिफ्यूज़ कर दिया था। और फिर यहाँ एक बहुत ही खूनखार जंग हुई थी। खूनखार इसलिए क्योंकि उसमें सारंग खान के 16 बेटे शहीद या हलाक हुए थे, तो उनकी कब्रें भी यहाँ मौजूद है जहाँ मैं आपको दिखाऊंगा। बट अगेन जस्ट इमेजिन कि कितनी बड़ी ज़िद और कितनी बड़ी वॉर थी कि सारंग खान के एक एक करके 16 बेटे शहीद होते रहे, लेकिन उन्होंने सरेंडर नहीं किया। तो
जैसे ही आप फोर्ट में एंटर होते हैं तो एक चार दीवारी है, उसके बाद उसके बीच में खुला मैदान है। उन मैदानों में ये कब्रें बनी हुई हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये सारंग खान के जो 16 बच्चे थे, जो बेटे थे, शहीद हुए थे, ये उनकी कब्रें हैं। दो यहाँ पे हैं, फिर वो सामने, उसके बाद यहाँ पे, और उसके अलावा मैदान में जिनके अपेरेंटली जो थोड़े को साइंस दिखते हैं, तो मेरे ख्याल में कभी ये इस तरह मैदान नहीं था, बल्कि ये बहुत सारे कमरे बने हुए थे जिसके ये आसार मिलते हैं। मैदान के बिल्कुल सेंटर में, यानी फोर्ट के बिल्कुल सेंटर में ये दो कब्रें तो वो साइड पे हैं और बाकी ये हैं। तो इनके बारे में पूछने पे बताया गया, और जो मैंने पढ़ा भी उसमें भी यही है कि ये वो नवाब जो यहाँ का किंग था या नवाब था या हकीम था, सारंग खान, उसके बच्चों की कब्रें जो उस शेर शाह सूरी के अगेंस्ट जो जंग थी उसमें जो मारे गए थे उनकी, और नवाब जो सुल्तान, नवाब नहीं, सुल्तान सारंग खान गखड़, ये उनकी कब्र है। बैकग्राउंड में जो आप देख रहे हैं ये सुल्तान सारंग खान गखड़, जो बहुत बड़ा हाकिम था, जिसका मैंने अभी बताया कि उसका शेर शाह सूरी से मुकाबला हुआ और फिर वो उसके 16 बेटे उस जंग में मारे गए और ख़ुद भी बाद में गिरफ़्तार हुए। और इनके बारे में कहा जाता है कि शेर शाह सूरी ने इन पे गुस्सा कुछ इस तरह निकाला कि इन ज़िंदा ही इनकी खाल उतरवा दी गई थी, और फिर उसके बाद इनको यहाँ पे मतलब दफन कर दिया गया था। इनके जो लोग थे उन्होंने इनको यहाँ दफन किया। पहले इनकी कब्र जो मैंने पढ़ा है वो पीछे एक टॉम्ब है जो जहाँ मैं अभी आपको लेकर जाऊँगा उस मकबरे में, वहाँ पे थी। लेकिन कहते हैं कि फिर जब रंजीत सिंह का दौर आया पंजाब में तो उसने इस इलाके को, इस जो फोर्ट को अपने ऑफिस के लिए यूज़ किया, और वो जो टॉम था वो उसको अपना ऑफिस बनाया और उनकी कब्र वहाँ से निकलवा के यहाँ शिफ्ट करा दी। और इन नवाब ये जो सुल्तान सारंग खान था, इसकी कब्र के बिल्कुल सामने ये एक बहुत ही बड़ी मस्जिद है जिसके 3 मीनार नज़र आते हैं, और अभी भी ये अपनी बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। और बल्कि ओवरऑल जो किला है ना, इस पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत की जा रही है, मैं अभी भी देख रहा हूँ इस पर जो है ना काफ़ी काम किया जा रहा है इसकी रेनोवेशन का, तो अच्छी कंडीशन में है। इट्स अ गुड विजिटिंग प्लेस। जैसे पिछले मैंने कुछ फोर्ट में विज़िट किया, वहाँ पर बहुत कोई अच्छी प्रिजर्वेंस नहीं नज़र आई, जिसमें फरवाला का किला आपने देखा होगा जो मैंने पिछली वीडियो में शेयर किया था, लेकिन उसके बरक्स यहाँ पे काफ़ी तज़ीन और आयश का काम जारी है। ये वो मकबरा है या टॉम्ब है जिसमें कहते हैं कि सुल्तान सारंग की कब्र हुआ करती थी, लेकिन जिसे बाद में रंजीत सिंह ने यहाँ से उखड़वा के ये सामने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया यहाँ पर। टॉम को मुरम्मत के लिए लॉक कर दिया गया है, कोई भी दरवाज़ा खुला हुआ नहीं मिला, वरना मैं आपको अंदर भी लेकर जाता, लेकिन इस पर कुछ वीडियोस हैं, अगर आप इसको अंदर से देखना चाहें तो काफ़ी वीडियोस आपको मिल जाएंगी इस फोर्ट की और इस जो लोगों ने टॉम के अंदर जाके बनाई है। लेकिन अभी चूँकि रेनोवेशन हो रही है तो इसको क्लोज़ किया गया है, लेकिन मीनवाइल आप ये पीछे देखें, ये वो मस्जिद है जिसको बड़े अच्छे से मेंटेन किया गया, और यहाँ पर अभी भी माशाल्लाह 5 वक्त की नमाज़ भी होती है, और ये अभी भी यूज़ में है और बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। कोई है तो नहीं यहाँ पे, मैंने किसी से पूछा नहीं है क्योंकि कोई बैठा ही नहीं है, लेकिन चलते हैं मस्जिद में अंदर जाके देखते हैं अगर ये जाने देते हैं। लॉक्ड है, लॉक्ड है। मस्जिद के सहन के बिल्कुल बाहर दीवारों के साथ यहाँ पे ये कब्रें, और जिससे भी पूछा वो सब यही कह रहे हैं कि नवाब सारंग खान के बेटे थे, बच्चे थे, जो उस शेर शाह सूरी के ख़िलाफ़ जंग में शहीद हुए
और उसके अलावा भी बाकी जो उनके बड़े रहनुमा या सपासलार टाइप थे उनकी कब्रें हैं ये। एक दरवाज़ा मैंने खोल दिया, ये मस्जिद की अंदरूनी सिचुएशन है, अंदर लाइट बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी ऊंचे गुंबद हैं और मॉडर्न डे तमाम फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। ज़्यादा बड़ा हॉल नहीं है, लेकिन ये है कि काफ़ी ऊंचे गुंबद हैं जो कि पुरानी तर्ज तामीर का मुंह बोलता सबूत हैं। लेकिन सबसे जो अच्छी बात है इसकी वो ये है कि इसको बड़े अच्छे से मैनेज किया हुआ है, इसको देख के खुशी हुई। फोर्ट की सबसे अच्छी बात जो मुझे यहाँ पर लगी ना, एक तो इसको बड़ा अच्छा मैनेज किया गया है, रेनोवेट हो रहा है, पूरी इसकी हिफाज़त की जा रही है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मतलब हिस्ट्री को प्रिजर्व करना आजकल के दौर में मेरे ख्याल में एक तो ना सिर्फ ये कि आपको जानने को, आपकी जो फ्यूचर जनरेशन है उसको जानने के लिए बहुत कुछ मिलता है, बल्कि ये एक तरह से ना इनकम का एक बहुत बड़ा सोर्स है, जिसकी सबसे बड़ी जो एक सबूत देख लें ना कि आप इंडिया जाएँ, चाइना जाएँ या किसी भी जो जैसे टर्की हो गया, इन मुल्कों में जाएं, इन्होंने अपनी हिस्ट्री को जो रिचली हिस्टोरिक मुल्क है ना, उन्होंने अपनी हिस्ट्री को प्रिजर्व किया और उसको यूज़ करते हैं फॉर इनकम और बहुत इनकम जनरेट करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा हिस्ट्री है, वो कल भी मेरा जाना हुआ था फरवाले के वो फोर्ट में, लेकिन वो बिल्कुल प्रिजर्व नहीं, हालाँकि वो एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है और उसे बड़ा अच्छे से मैनेज भी किया जा सकता है, हालाँकि वो पाकिस्तान के आर्कियोलॉजी जो डिपार्टमेंट है उसके अंडर है, लेकिन उसको प्रिजर्व नहीं किया गया, बट उसके बरक्स इसको बहुत अच्छे से मैनेज किया गया है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड बड़ा अच्छा लगा। ये इसके कुछ वक्त के साथ साथ तबाहशुदा रूम, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन इतनी ज़बरदस्त हुई भी है उस दौर में भी कि आज भी ये ना, अगर आप इसको खुद आके देखें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त मजबूत बिल्डिंग के जो है आसार हैं और बहुत मजबूती से बने हुए हैं। इनके साथ थोड़ी सी और कोशिश की जाए तो ये तो फ्यूचर में भी बहुत लंबे अरसे के लिए प्रिजर्व ही रहेंगे। और किले के कोने में एक छोटी सी बिल्डिंग है, एक ये भी कुछ मकबरा सी है जिसके अंदर दो कब्रें मौजूद हैं। किला फरवाला की वीडियोस में मैंने आपको गखर डायनेस्टी के बारे में बताया था, किला रवात भी उसी सिलसिले की कड़ी है। किला रवात आने का मेरा मेन पर्पस सुल्तान सारंग गखड़ की शख्सियत है, जो गखड़ों का एक मशहूर सुल्तान था, लेकिन इनका अंजाम इंतहाई अफसोसनाक हुआ। गखड़ ट्राइब्स ने बादशाह बाबर के अटक विजिट पर उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। मुगल बादशाह बाबर के साथ मुलाकात हाथी खान गखड़ ने की और हाथी खान गखड़ अपने बेटों की मौजूदगी में मुगल बादशाह बाबर से मिले और मुगल बादशाह को अपनी तावन का यकीन दिलाया। बाबर की डेथ के बाद मायूं तख्त नशीन हुआ तो उसके कुछ अरसे बाद बिहार के जनरल शेरशाह सूरी ने मुगलों से बगावत का ऐलान कर दिया। शेरशाह सूरी ने इस बगावत के बाद दो बार हुमायूं को जंग में शिकस्त दी। शिकस्त खाने के बाद हुमायूं ने किला फरवाला में गखड़ों के यहाँ पनाह ली। शेरशाह ने उस वक्त के गखड़ सुल्तान सारंग से हुमायूं को उनके हवाले करने का मुतालबा किया, साथ में गखड़ों को ऑफर भी की कि अगर आपने हुमायूं मेरे हवाले किया तो मैं काबुल से दिल्ली तक का इलाका तुम्हारी अमलदारी में दे दूंगा। लेकिन यह मुतालबा सुल्तान सारंग ने अपने अजदाद की जुबान रखते हुए और मुगलों से अपनी दोस्ती निभाते हुए रद्द कर दिया और इनकार के साथ सुल्तान सारंग ने शेरशाह सूरी को दो शेर के बच्चे और एक टूटा हुआ तीर साथ भेजा, साथ में ये कहला भेजा कि शेर नाम रख लेने से कोई शेर नहीं बन जाता, इन शेर के बच्चों का बगौर मुताला करो ताकि तुम्हें शेर का असल मतलब समझ आए। और टूटे हुए तीर से मेरी मुराद कि हम आखिरी वक्त तक, जब तक हमारे पास एक टूटा हुआ तीर भी है, हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे। और साथ ही सारंग खान गखड़ ने हुमायूं को सिंध के राजाओं के ज़रिए ईरान पहुँचा दिया। इसके बाद शेरशाह सूरी ने अपना लश्कर इस इलाके में भेजा जिन्होंने गखड़ों के मुकाबले के लिए रोहतास किला कंस्ट्रक्ट किया। और कहते हैं कि शेरशाह के लश्कर को रवात और परवाला पहुंचने तक 80 जंगें लड़नी पड़ी।
आखिरी मार्का रबात के मकाम पर हुआ, जिसमें सुल्तान सारंग के 16 बेटे मारे गए। मार्का इंतहाई खून रेस था। आखिर में सुल्तान सारंग का खड़ भी पकड़ा गया और सूरी के जरनैलों ने जिंदा उसकी खाल खिंचवा दी। उसके बाद ये इलाका शेरशाह सूरी की अमलदारी में आ गया, लेकिन 2 साल तक गक्खड़ अपने पोटवारी इलाकों में शेरशाह के लश्कर के साथ गोरीला जंगें करती रही। और इन 2 सालों में हुमायूं ने ईरान से वापसी इख्तियार की अपने लश्कर के साथ, और गक्खड़ों के साथ मिलकर शेरशाह के लश्कर को शिकस्त दी, यहाँ तक कि किला रोहतास भी फतह कर लिया। ओके जी, दैट्स इट फॉर द डे। ये तो थी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।